चलित बर्ष कोविड कटकणा मध्यरे श्रीक्षेत्रे प्रसिद्ध झूलण यात्रा श्रीमंदिर सह विभिन्न मठ से आरंभ होई सुसज्जित झूलणकुंज में श्री राधाकृष्ण झूलचंती। एही यात्रा सात दिन धरी चलिबो। परंपरा मुताबक श्रीमंदिर रे संध्या आरती परे श्रीजीवर आज्ञामूल प्राप्त हो प्रभु मदन मोहन भूदेवी और श्रीदेवी सह झूलणकुंज में विराजमान करती। से अनेक प्रकार सदा सर्वदा नित्य से लीला रही भक्त मान को आनंद दे था। मद भक्तं विनोदार्थे करोमि विविधक आनंद रे नित्य उत्सवो नित्य सुख्य नित्य श्री नित्य मंगलम विहोर चीत जगन्नाथ श्री वैकुंठ प्राप्त। सेपरी भावरे पवित्र श्रावण मास घोर चतुर्मास्यार पवित्र समय काल रे श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि ठार भाद्रव मास कृष्णपक्ष प्रतिपद पर्यंत सप्तदिनात्मिक महाप्रभुंकर झूलण यात्रा अनुष्ठित होई। झूलण यात्रा उत्कलर पुरपल्लीरे एक प्राचीन यात्रा। बारह मासरे तेर यात्रा अनुष्ठित होई था श्रीमंदिर किंतु बावन गोटी उपयात्रा महाप्रभुंक श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होई था। तत्मध्यरु झूलण यात्रा बाहे हिंदोल उत्सव एक पवित्र यात्रा अटे। महाप्रभुंकर श्रावण शुक्ल दशमी तिथि ठारु प्रतिपद पर्यंत भाद्रव कृष्ण प्रतिपद पर्यंत सप्तदिनात्मक यात्रा रे प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर मध्यान धूप पूजा परिसारिबा परे महाप्रभुंकर वेश श्रृंगार होई दक्षिण घर को महाप्रभुंकर मदन मोहन महाप्रभुंकर पार्श्वरे विराजमान करथिबा भूदेवी श्रीदेवी आज्ञामाल प्राप्त हुई। संध्या आरती बढ़ी सारला परे आज्ञामाल प्राप्त हुई। मुक्तिमंडप परे पवित्र झूलणकुंज महाप्रभुंकर निर्माण हुई था। ये झूलणकुंज एक पवित्र कुंज श्रीक्षेत्र विविध मठ जगन्नाथ वल्लभ मठ उत्तर पार्श्व मठ दक्षिण पार्श्व मठ विविध समस्त मठ रे यही पवित्र झूलण यात्रा मध्य अनुष्ठित हुई। तदव्यतीत गृह गृहस्थी माने मध्य साहब महाप्रभुंकर पवित्र झूलण यात्रार आयोजन करी षोल शासन मानकर है उड़ीसार पुरपल्ली रे महाप्रभुंकर पवित्र हिंदल यात्रा बा झूलण यात्रा महानंद रे पालन करा जाए। मुक्ति मंडपे आकर्षण भाव निर्माण कर झूलणकुंज में प्रभु मदन मोहन ह्रास करते केवल श्रीमंदिर नुहे श्रीमंदिर सह जड़ित मठ मंदिर में झूलण पर्व देखा मिलता है। प्रायत तो एक मास पूर्व कारीगर मैंने शुद्धभूत भाव झूलण निर्माण करते कुंज को आकर्षण करने जरी जम्बुरा सोल रंग नुआकना पी विभिन्न वस्तु व्यवहार कर कुंज में केवल देवादेवी नुहति सखी पशु पक्षी तथा गछलता सह सुवासित फूल और फलमूल को स्थान दि जाए जहाँ को देखापी भक्तों मन में प्रबल उत्साह और भिड़ जमी थाए कि चलित बर्ष कोविड कटकणा भितर सामाजिक दूरत्व रक्षा कर झूलण यात्रा अनुष्ठित विभिन्न मठ से स्वतंत्र शैली में चाली निर्माण हो पछपार्श्वे झूलणकुंज या मेड़ फूल जरीजंबुरा सोलर आकर्षण कारुकार्य सुआसारी बणीपारा गुंडीचिमूषा माकड़ सह विभिन्न वन्यप्राणी झूलण कुंज में खंजा जा श्रीक्षेत्र झूलण यात्रार स्वतंत्रता रही बेले चलित बर्ष किंतु केवल विधि और परंपरा रक्षापी श्रीमंदिर भितर यह झूलण यात्रा अनुष्ठित संध्या सतटे दर्शन बंद हो भक्त मैंने यह देखा वंचित होती सेपर मठ से कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम करण वर्णना अनुजाई द्वापर जुगे प्रभु श्रीकृष्ण राधाराणी झूलणकुंज में रासलीला को स्मरण कर श्रीक्षेत्र में श्रीमंदिर विभिन्न मठ से यह महान परंपरा कहीं केत वर्ष तलु प्रचलित हो भगवान महाराज से अंतर्ध्यान है जितेबले पुणी आउ थे भक्त मान सहित गोप गोपी मान सहित दर्शन दे मिशी से भक्त भगवान को पाई जो अपार आनंद अनुभव करे से आनंद को भिन्न भिन्न माध्यम सब उपभोग करवा धारा होधर से झूलण परंपरा झूलण परंपरा आमर एक प्राचीन परंपरा अनादि कालरु यही परंपरा चली आसी प्रत्येक मठ मंदिर आश्रम मानक झूलण उत्सव हुए साधारणत भाद्रव मास श्रावण मास
दशमी ठारु पूर्णमी जाए यही उत्सव पालन करा जाए। आमर राधाश्याम मठ एवं गौर विहार आश्रम माता मठ रे मध्य ए उत्सव पालन करा जाउछि। वर्तमान आम ये झूलण यात्रा आरंभ हो जाइछि गतकाल ठारु। ठाकुर विद्यमान होंते वैष्णवीय भावधारार लीला कीर्तन आदि वैष्णव मानक द्वारा अति मुखरित हुए। यही परंपरा को उज्जीवित कर रखा पाई साधु संत मानकर उद्योग चेष्टा प्रचेषा एवं समस्ते एथिरे आध्यात्मिक चेतना जागृत हुए एवं भगवान का प्रति निजर जीवर स्वरूप नित्य कृष्ण दास निजर स्वरूप ज्ञान से माने भावित होता। तेणु आम हिंदू संस्कृति में विभिन्न पर्वपर्वाणी मैंने माध्यम आम मान भाई चेतना जागृत करने सब अनादि काल मुनि ऋषि मानक निर्धारण रही। पुरी शिवप्रसाद दास को रिपोर्ट।